press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. मैं हिंदुस्तान में नहीं था, मैं अभी अभी आया हूँ लौट के, बहुत जेट लैग था, तो एक दिन मैं अभी कल रात की बात है, कल रात की बात है कि मैं एक फेसबुक में गया मैं अपनी, और मेरे को किसी फेसबुक मैसेंजर में एक फ्लायर ब्लास्ट किया मेरे ऊपर. उन्होंने कहा कि सर आप क्या इस कोई आपका कोई इवेंट हो रहा है, आप जुड़े हुए हैं. मैंने उस फ्लायर में देखा और मैं देख के आश्चर्यचकित हो गया. उस फ्लायर में मेरी फ़ोटो थी अलॉन्ग विद जस्सी रंधावा की, और उन्होंने बोला कि वो आप रोहित वर्मा का शो 15 सितंबर को हम ऑडिशन कर रहे हैं और रजिस्ट्रेशन फीस है 2000 रुपये. ओके, आप 2000 रुपये रजिस्टर कीजिएगा रोहित वर्मा के नाम पे, और आपको उस ऑडिशन में हम बुलाएंगे और फिर हम सेलेक्ट करेंगे. हम रोहित वर्मा का शो 25 सितंबर और 2 अक्टूबर को दिल्ली के ताज होटल में हम कर रहे हैं. ओके, सो मेरे को देख के बहुत चकित हुआ. खैर, बिकॉज मैं थोड़ा सा जॉम्बी था, जेट लैग था. उसके बाद मैंने अपने दोस्त को फ़ोन किया और मैंने अपने दोस्त को नंबर दिया कि तुम जरा इस नंबर पर फ़ोन करो. कोई कोई लोग मजाक भी कर देते हैं. जब उन्होंने मेरे दोस्त उस नंबर दिया उस लड़की का, उधर एक मंदाकिनी नाम की लड़की ने फ़ोन उठाया और कहा कि वेल यस, हम रोहित वर्मा का कोऑर्डिनेट कर रहे हैं और आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा 2000 रुपये. आपने उन्होंने एक पेटीएम नंबर दिया उस लड़की ने कि आप उनको ये पैसा आप इस पेटीएम में डालिए और हम आपको रोहित वर्मा के शो में डाल देंगे. मेरा ऐसे शो से कोई लेना देना नहीं है. आई एम वेरी शॉक्ड. तो आज कल संडे था तो मैंने कल का दिन मैं जाने देता हूँ. मैं आज सैंटाक्रूज पुलिस स्टेशन गया और मैंने उनके अगेंस्ट एक कंप्लेन लॉन्च करी है, और मैंने दिल्ली क्राइम पुलिस को भी एक ईमेल इमीडिएटली मैंने ब्लास्ट किया, और ये न्यूज़ आग की तरह फैल गई पूरे मीडिया में. क्योंकि ऐसे बहुत से फ्रॉड एजेंसीज हैं जो डिज़ाइनर्स के नाम पे इतना पैसा वसूल रहे हैं लोगों से, हमारे नाम पे हमारा नाम यूज़ करें गलत तरह से, और बहुत सारे जो इनोसेंट बच्चे हैं जो इस फील्ड से बहुत आकर्षित हो जाते हैं वो इसका बलि का बकरा बन जाते हैं. मैंने अभी अभी 1 घंटे पहले अपने फेसबुक में इसको फ्लायर को डाला है फेसबुक में, और अपनी कंप्लेंट की कॉपी डाली है. मैं अभी तक चुप इसलिए बैठा था बिकॉज आई वॉन्टेड लॉन्च अ पुलिस कंप्लेंट. आई वॉन्टेड लीगल मैटर जो है ये वो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप करना था. अभी अभी 1 घंटे पहले एक मीडिया जी आए थे मेरे पास, और उस का लड़के का जो जिस लड़के का नंबर है मोबाइल का, उसका मेरा फ़ोन चल रहा था. वो कोई लक्ष बत्रा का नाम रहता कि उन्होंने हमको हायर किया है और उन्होंने हमसे ये सब करवाया, और उसको तो कोई गिल्टी नहीं है, उसको कोई गिल्ट नहीं है, और वो कह रहा था कि आपको जो खाड़ना है मेरा खाड़ लीजिए. तो मैं पूरे भारत की जनता से अनुरोध करूँगा कि ऐसे लोगों से सावधान रहे. पुलिस से अनुरोध करूँगा इनके अगेंस्ट सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर है. ऑलराइट, और मेरे को नहीं पता ये कब से ये फ्लायर इनका चल रहा है, कब से ये डाल रहे हैं, या इन्होंने कितने पैसे ले लिए हैं एटीएम में, पेटीएम से, और ये क्या मैटर है ये. पुलिस, मैं चाहूँगा पुलिस उसके अंदर तफ्तीश करे. पुलिस वालों ने क्या कहा जब आपने एफआईआर दर्ज कराया तो उनका मतलब? मैंने उनको कंप्लेन रजिस्टर्ड दिया. ओके, एफआईआर उन्होंने किया कि नहीं किया आई हैव नो आइडिया, पर मैंने उनको जो कंप्लेन रजिस्टर किया उसकी कॉपी, असिस्टेंट कॉपी मैंने मीडिया को दे दी है. आपके पास है? जी. मैं यही कहना चाहूँगा कि यू नो इट्स वेरी सैड. ओके, हम लोग बहुत मेहनत करके अपना नाम बनाते हैं, ऐसे ही लोगों के नाम वजह से हमारे लोगों का नाम बदनाम हो जाता है. मैं सबको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी डिज़ाइनर के फैशन शो में चलने के लिए हम पैसा देते हैं मॉडल से, हम लेते नहीं हैं. ओके, ग्रूमिंग स्कूल जो चलाते हैं वो बहुत डिफरेंट होता है. तो कोई भी अगर किसी भी डिज़ाइनर का नाम लेता है, चाहे वो कोई भी बड़ा डिज़ाइनर का नाम लेता है, उन लोगों से सतर्क रहें, क्योंकि हम डिज़ाइनर्स पैसे नहीं लेते. अगर आप मेरे प्रोडक्ट्स पे अच्छे लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप मेरा कपड़ों को अच्छे से कैरी ऑफ कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई भी ऑडिशन की ज़रूरत नहीं है. आप डायरेक्टली इंडिया में टॉप कोऑर्डिनेटर्स हैं उनको अप्रोच कीजिए, टॉप कोरियोग्राफर्स को अप्रोच कीजिए. आप अपने ऑडिशन का एक वीडियो हम लोगों को भेजिए, अपना वॉक करते हुए, अपनी साइड प्रोफाइल, अपनी फ्रंट प्रोफाइल. ये एक करेक्ट प्रोसेस है डिज़ाइनर्स को अप्रोच करने का. यानी कि कोई भी आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे ऐठ ले इस तरह के और आप बेवकूफ़ बन जाए, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए. मैं अपने जो पेरेंट्स हैं जो उनके बच्चों को इस फील्ड का बहुत ज़्यादा लाइक क्रेज़ है, वो लोग को भी सतर्क रहना चाहिए कि वो किसी का किसी के अंडर इस तरह से स्कैनर पे नहीं फंस जाएं. आपने
कि कितने पैसों की धोखाधड़ी का मामला है लगभग? आई हैव नो आइडिया. देखिए आई टेल यू, ये देखिए मैं भी कैसे, मे बी उन्होंने अभी तक अभी बनाया हो फ्लैट दो दिन पहले, शायद उन्होंने 10,000 कमाए हो, शायद 10 लाख कमाया हो, इसका तो मैं कमेंट नहीं करता. इसका तो जवाब वो जो जिनका फ्लैट पे नंबर है, जिन्होंने फ्लैट ब्लास्ट किया है, जो लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, इसका जवाब तो वही दे पाएंगे उन्होंने कितना फ्रॉड से कितने पैसे कमाए हैं.